अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े का रमजान स्पेशल क्रिस्पी पापड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, तो इसमें मैं डालूँगी एक कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, और इसमें मैं डालूँगी एक चुटकी अजवाइन यानी कि हाफ टी स्पून। इसको मैं हाथ के मसल के नाल से डालती हूँ, और इसमें डालूँगी मैं 2-3 टीस्पून के करीब ऑयल। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। इसमें डालूँगी नमक हाफ टी स्पून, इसमें डालूँगी हाफ टी स्पून नमक। अब इसको मैं हाथों के साथ नाइसली पहले मिक्स करूँगी, और जब ये नाइसली मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंथ लेंगे थोड़ा सा, और इसको मैं करूँगी। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो ही आप हाथ में डालते हैं तो ये देखेंगे थोड़ा सी बन गई। तो अब इसको मैं बिल्कुल आटे की तरह बना लेती हूँ। जैसे हम आटा गूंथते हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर लिया है, इसको आटे की तरह गूंथ लेते हैं। जब ये सारा गूंथ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना और इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके एक ही मिनट के लिए गूंदना है। इसको बहुत ज़्यादा रोटी के आटे के साथ नहीं गूंदना। मैंने इसको एक मिनट तक गूंदा तो ये नाइसली डो रेडी है। तो अब हम इसको क्लीन फिल्म के साथ बंद करके इसको रेस्ट दे देते हैं 15-20 मिनट तक। अभी हम इसको बेल लेते हैं, बिल्कुल इसको हम पतला देंगे। यहाँ मैंने डस्ट कर लिया हुआ ऑलरेडी। रोलिंग पिन के साथ मैं इसको बेल लेती हूँ। पैन जो ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। इसके गर्म होने पे हम इसमें पापड़ियाँ फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया हुआ है बिल्कुल बारीक, ये देखिए आप। और अब मैं इसको कटर से काट रही हूँ गोल। कोई भी आप शेप बना सकते हैं जो भी आप पसंद है। मैं कुछ स्क्वायर भी बनाऊंगी, ये कुछ सर्कल बना लेते हैं। जब हम सर्कल बनाते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा वेस्ट होता है, तो मैं कुछ ट्रायंगल भी बनाऊंगी और स्क्वायर भी। तो अभी जो है ऑयल गर्म होता है तो हम इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। देखिए मैंने सारी पापड़ियों को रेडी कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसको मैं पापड़ियों को डाल देती हूँ। जो ही हम डालेंगे फौरन से पहले ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। अगर ये बैठ जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा तरीके से ही देखेंगे। चलो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। बहुत ही नाइस हो गया, तब हम इनको निकाल लेते हैं। अब जो दूसरा आटा था उसको मैंने बेल लिया हुआ है बिल्कुल, और अब हम इसको स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। वह भी वैसे आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने सारे स्क्वायर में बनानी है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम वेस्टेज होती है। देखिए बिल्कुल मैं उसी तरह काट रही हूँ, और अब मैं सारे काट के आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। पापड़ी रेडी कर ली है स्क्वायर शेप में, तो अब हम फ्राइंग शुरू करते हैं। पैन में ऑलरेडी मेरा ऑयल गर्म है, तब हम इनको अंदर डाल देते हैं। अभी मैं डालूँगी बिल्कुल ऊपर हमें शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छा गर्म और इतना ही हमें चाहिए। अगर ये कम हो तो आप लोग नीचे बैठ जाएंगे और ज़्यादा ऑयल चाहिए। और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेते हैं। ये मैंने बाकी की पापड़ियाँ भी रेडी कर ली हैं, बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुई हैं, और रमज़ान के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। आप इसको एक ज़िपलॉक बैग में बंद करके रख लें या एयर टाइट कंटेनर में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगी।
ये देखिए मैंने बाकी की पापड़ियाँ भी फ्राई कर ली, बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपको मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।